ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, जो दोनों जजेस ने टिप्पणी की है उसको लेकर के अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उसको सिलेक्टिवली इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है। जस्टिस भुइयां को सब लोग कोट कर रहे हैं, सब लोग उनकी ये केज पैरेट वाली बात कह रहे हैं, पर जस्टिस सूर्यकांत ने आज क्या बोला? जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर बोला कि पहले से गिरफ्तार शख्स को हिरासत में लेना गलत नहीं है, जो सीबीआई ने किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जस्टिस भुइयां ने कहा सीबीआई ने 22 महीने तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि गिरफ्तारी में धारा 41A का कोई उल्लंघन नहीं है, यानी कि ये आर्बिट्ररी नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, न्याय सम्मत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस भुइयां ने कहा ईडी केस में बेल मिलने के बाद ही सीबीआई अचानक एक्टिव हो गई, 22 महीने तक उनको कोई सुध नहीं थी अरविंद केजरीवाल की। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ईडी केस वाली शर्तें इस केस में भी लागू रहेंगी। तो सिलेक्टिवली क्यों देखा जा रहा है जजमेंट को, जहां पर एक जज साफ तौर पर कह रहे हैं बिल्कुल सही किया सीबीआई ने, बेल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए चार्जशीट हो गई है और ट्रायल बहुत लंबा चलेगा, बट ना क्लीन चिट दी है, सीबीआई को कोई बुरा भला नहीं कहा है और कहा है अभी उन पर केस चलता रहेगा। भारद्वाज जी देखिए, आज होनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जैसे ये तय कर दिया कि देश में संविधान से देश चलेगा, देश किसी गुंडागर्दी और तानाशाही से नहीं चलेगा। आज जिस तरीके से होनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते हुए ये कहा कि सीबीआई जो है आज पिंजरे में बंद तोता मैना की तरह काम कर रही है, ये सीबीआई के ऊपर और सरकार के मुंह पे कड़ा तमाचा है। आज देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, देश के करोड़ों लोगों की दुआओं से, बजरंग बली जी के हनुमान जी के आशीर्वाद से और देश के संविधान ने जो क्वेश्चन दिया है उसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं। और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम पर ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई का एक्शन बिल्कुल सही था, इसमें बेल मिलने के बाद। पर सर उसी कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ने जो कहा वो सही था। मैं वही कह रहा हूं, आप मुझे टाइम दीजिए, आपने प्रेम शुक्ला जी को टाइम दिया, मैं भी अपनी बात कह रहा हूं। देखिए आज होनरेबल कोर्ट ने बकायदा ये साफ साफ कहा कि सीबीआई की इंटेंशन गलत थी। एक जज ने बोला अरविंद केजरीवाल जी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था, एक जज ने बोला, दूसरे जज ने बोला सीबीआई की इंटेंशन सही थी। कि जिस तरीके मैं कह रहा हूं, आप एक जज की बात करो, मैं दूसरे जज को कोट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों जजों की कॉन्ट्राडिक्टरी थी। आप और प्रेम शुक्ला जी एक ही जज को कोट करो, मैं दूसरे जज को भी तो कोट करूंगा। जस्टिस भुइया ने जो कहा उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते, वो भी उस कोर्ट में बैठे थे, वो भी उस डिसीजन में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को जो अरेस्ट करा है वो गलत है, वो अनजस्टिफाइड है, क्योंकि 2.5 साल में सीबीआई ने अरेस्ट नहीं करा था। सीबीआई ने अरेस्ट कब करा? जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी वाले मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। तो साफ साफ सीबीआई की इंटेंशन ये थी कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों के पीछे रखना है, ये सीबीआई की इंटेंशन थी। बताइए प्रेम शुक्ला जी, अपनी सहूलियत से आप फैसला नहीं कर सकते की हालत कि आप जस्टिस सूर्यकांत की बात सुनेंगे या जस्टिस भुइयां की? और सच बात तो ये है कि बेल तो मिल ही गई ना, बेल तो मिली गई, और सिर्फ उन्हीं को नहीं मिली। एक बार फिर से बता देते हैं, ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि 15-20 मिनट में तिहाड़ जेल से बाहर निकल जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बहुत बारिश हो रही है फिर भी एक हुजूम जुटा हुआ है तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 के बाहर। सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त, सोचिए अभी बस शाम के 6 बजे हैं और अंधेरा सा हो गया है। मनीष सिसोदिया वहां दिखाई दे रहे हैं, शायद भगवंत मान भी वहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ढोल नगाड़े ताशों के साथ पूरे अरविंद केजरीवाल के स्वागत में आम आदमी पार्टी वहां जुटी है। और प्रेम शुक्ला जी ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ठीक है, हम ये बात भले से ही कहते रहे कि जस्टिस भुइयां ने ये बोला, जस्टिस सूर्यकांत ने ये बोला, सच बात तो ये है कि पिछले 6 महीनों में क्या क्या हुआ है। पिछले 6 महीनों में देखिए कौन कौन नेता बाहर आ गए हैं। पहले संजय सिंह बाहर आए, उनको कितने महीने रखा जेल में? 6 महीने जेल में रखा, 2 अप्रैल को वो छूट गए। 27 अगस्त को 5 महीने बाद के कविता बाहर आई, 9 अगस्त को 6 महीने बाद मनीष सिसोदिया बाहर आए, 2 सितंबर को 23 महीने बाद विजय नायर बाहर आए, और 156 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल अब बाहर आने वाले हैं 15 से 20 मिनट में। तो ठीक है, आप ये कहिए कि सीबीआई पर दोनों जजों ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, बट एक एक करके जेल के ताले तो टूट ही रहे हैं ना,
और एक एक करके सब छूट भी रहे हैं जी। पद्मजा जी देखिए, जेल में भेजने का काम कौन, निर्णय कौन लेता है? ये कोर्ट लेता है। गिरफ्तार करके हिरासत में लेने का अधिकार ईडी का है, सीबीआई का है, पुलिस का है, लेकिन जेल भेजने का अधिकार किसका है? मजिस्ट्रेट का है, जज का है। तो इनको जेल भेजा किसने था? जज ने जेल भेजा था। उनको बेल किसने दिया? जज ने दिया। और ये तय है कि सूर्यकुमार जी, जस्टिस भुइयां और जस्टिस सूर्यकुमार जी, दोनों ने जो बेल के कंडीशंस हैं, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के मन में। उनको मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाना है, इसमें जस्टिस भुइयां ने कोई आपत्ति दर्ज की क्या? वो किसी प्रकार के गवाह से बात नहीं करेंगे, इस पर कोई आपत्ति की क्या? वो किसी भी प्रकार से इस मामले पर टिप्पणी नहीं करेंगे, इस पर कोई आपत्ति की क्या? उन्होंने इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है, ऐसा जस्टिस भुइयां का कोई शब्द है क्या? उन पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, जस्टिस भुइयां का ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है क्या? अच्छा, तो ट्रायल कोर्ट जिसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन करता केस सही है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये बेशर्मी की इंतहा है कि एक व्यक्ति जेल में बैठकर मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र नहीं देता, तो उसको माना जाए कि नहीं, उस जज के जो टिप्पणी को बिल्कुल से उसको जो है बिसार दिया जाना चाहिए। निर्दोष होने पे किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, कर रहा है जस्टिस भुइयां ने भी निर्दोष नहीं बोला। नहीं नहीं, मैं इस बेल पर नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बेल पर नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं आम आदमी पार्टी से पूछ रही हूँ, जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट को कोट कर रहा हूँ जी। भारद्वाज जी, जी जी, किसी ने निर्दोष नहीं बोला है अरविंद केजरीवाल को? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आज जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने एक झूठी कहानी लिख के अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, आज वो कहानी फ्लॉप हो गई, आज वो स्टोरी फ्लॉप हो गई है। आज अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए कि अमित शाह के अंडर जो सीबीआई ईडी है उसकी निष्पक्षता पर कोर्ट ने सवाल खड़े करें। सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह, इस पिंजरे का मालिक कौन है अमित शाह, इस पिंजरे का मालिक कौन है भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। बेशर्म तो ये लोग हैं कि सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, सबको कोर्ट ने बेल दे दी, और सारे बेशर्मी तो कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ईडी बेशर्मी, अहंकार भरी बेशर्मी, कोई विटनेस नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, एक रुपए की रिकवरी नहीं करी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग से बैठे कहां कहां के तानाशाह कहां कहां, मुझे ऑर्डर में दिखाइए जगह कहां कहां, आज इनका जी ऑर्डर में कहां कहां दिखवाई है, तोड़ गया मुझे, मैं इनको 40 पेज का ऑर्डर दिखा रहा हूं, कहां कहां इसमें सियानी बिल्ली और खम्बा रोचे, ऑर्डर दिखा रहा हूं कहां कहां निकाल के दिखाइए मुझे, खम्बा रोचे वाली कहां कहां है मुझे बताइए ना, कहां कहां है, नींद नहीं आएगी मोदी जी को, कहां कहां मुझे दिखाइए ना, मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, आप इस टीवी पर टीवी राइट पर झूठ बोलकर जा रहे हैं, नींद नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहां कहां गया है मुझे दिखा के जाइए अरविंद केजरीवाल, या तो झूठ बोल रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को, केजरीवाल जेल से टीवी राइट का मिसयूज कर रहा है प्लेटफॉर्म का। अरे भैया कहां कहां मुझे दिखाइए ना, आपके दिमाग पे असर, आपने कहा कहां है मुझे दिखाइए, तो केजरीवाल की जमानत पर दिलचस्प बात यह है, दिलचस्प बात यह है, झूठ बोलना आपके रक्त में घुस गया है, दिलचस्प बात यह है अवधेश जी से, इससे राजनीति कितनी अजीब सी हो जाएगी। आज पूरे दिन मैं कांग्रेस के रिएक्शन सुन रही थी, बाकी सारे बाकी सारी पार्टियों ने बोला कि देखिए गालियां बक रहा है आपके चैनल पे, मैं शुरू कर दूंगा गालियां, नहीं नहीं गालियां भाग जाएगा और टीवी राइट, किसने गाली दी, किसने गाली दी, मेरा दिमाग खराब है अगर ये कह रहा है तो मैं इसको नहीं कोई गाली का लॉजिक नहीं, खराब हो गया कह रहा है, दिमाग खराब होना गालियां कह रहा है, पेट में दर्द, गाली नहीं नहीं देखिए कोई किसी को गाली का लॉज मत कीजिए प्लीज, दिमाग खराब होना गाली, तू तलाक आप चोर बोलो भ्रष्टाचारी बोलो वो जायज है, प्लीज तू तलाक से भी बचे अवधेश जी, देखिए देखो अवधेश जी हमेशा बीच में फंस जाते हैं, बीच में फंस जाते हैं, वो हमेशा लोगों से कहते हैं संयमित रहे, देखिए और चुपचाप यहाँ स्टूडियो में दोनों मृत्युंजय जी और अवधेश जी बैठे हुए हैं, प्लीज प्लीज।